नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश के बचाव में आए उपेंद्र कुशवाहा। रुपेश सिंह मामले में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। बिहार बोर्ड इंटर 2021 के टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम हुआ समाप्त। बिहार में कोरोना के मिले एक बार फिर से 100 से ज्यादा मामले। आगरा से जीपीओ को जोड़ने वाले पुल का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। तो चले बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोरोना के मिले एक बार फिर से 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 170 मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 65 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना में 74 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही गया में 11 और अररिया में 10 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अगर हम बिहार में रिकवरी दर की बात करें तो यह 99.13% दर्ज की गई है। वहीं बिहार में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 2,61,648 रहे, जिसके बाद अब बिहार में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 726 है। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड HARTRON ने निकाली रिक्तियां। हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल मिलाकर 310 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 या स्नातक और कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्ष का डिप्लोमा या समकक्ष और टाइपिंग ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट HARTRON.org.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। गंगा नदी के हवाई सर्वे के लिए भागलपुर पहुंची टीम। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट के तहत गंगा नदी के सर्वे का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत ही गंगा सर्वेक्षण करने के लिए टीम भागलपुर पहुंच चुकी है। टीम गंगा के दूषित होते पानी की धारा में हो रहे बदलाव, बाढ़ की स्थिति बनने के कारण अतिक्रमण की स्थिति सहित मालवाहक जहाज चलाने को लेकर भागलपुर के गंगा नदी की गहराई और उसके मार्ग की रिपोर्ट को तैयार करने का काम करेगी। इतना ही नहीं, सर्वे के बाद नक्शा भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा नदी की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, इस बात पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही नमामि गंगे योजना के तहत शुरू हुए इस सर्वे में गंगा नदी में गिर रहे गंदे नालों के पानी, सीवर के पानी को भी देखा जाएगा। साथ ही गंगा नदी के अतिक्रमण की स्थिति को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही इस सर्वे में गंगा नदी में कौन कौन से जीव है, इसको भी देखा जाएगा। रुपेश सिंह मामले में पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह मामले में ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके तहत पुलिस ने इस मामले से जुड़े एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में जानकारी खुद पटना के SSP उपेंद्र शर्मा ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके दी है, जिसके तहत SSP ने बताया कि मुख्य साजिशकर्ता ऋतुराज को 2 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के महज 50 दिन के बाद ही दूसरे आरोपी को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपी का मोबाइल फोन भी घटना वाले दिन बंद था और अगले दिन खुला था, जिसका लोकेशन भी कंकड़बाग में ही था। पुलिस की माने तो पकड़ा गया आरोपी भी पैरेलल लाइफ जीता था। बिहार में 3 दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों की गई नौकरी। बीते दिन बिहार के बेगूसराय जिले के खगड़िया प्रक्षेत्र के DIG राजेश कुमार ने SP अवकाश कुमार की अनुशंसा पर 7 पुलिसकर्मियों की सेवा को बर्खास्त करने का काम किया है। इस बाबत मिली जानकारी के अनुसार जिन पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद ही DIG राजेश कुमार ने यह फैसला किया और कार्रवाई करते हुए इन पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बखरी थाना में जिन शिकायत कोषांग में कार्यरत दरोगा कपिल देव कुमार और भगवानपुर थाना में कार्यरत दरोगा विनोद कुमार पाल के अलावा कई अन्य पुलिसकर्मियों के नाम इसमें शामिल है। इसके तहत असरफी पासवान, श्रीकांत राय, बालेश्वर पासवान, अभिनवानंद, ब्रजेश कुमार का नाम भी शामिल है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार हुई सख्त। दिन प्रतिदिन बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही लोगों की परेशानी भी अब बढ़ने लगी है। बिहार सरकार की तरफ से पहले ही इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया था। बिहार दिवस के अवसर पर कार्यक्रम से लेकर होली मिलन समारोह तक रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही अब नेपाल जाने के रास्ते पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कोरोना की जांच का काम भी किया जाएगा। कोरोना के रोकथाम को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए नेपाल से सटे 7 जिलों में कोरोना जांच को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं इन जिलों में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल है। BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम हुए जारी। BPSC 66वीं प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह परीक्षा पिछले साल ही 27 दिसंबर को बिहार के 888 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसके बाद ही औरंगाबाद जिले के एक केंद्र पर फिर से परीक्षा ली गई थी। ज्ञात हो इस परीक्षा में कुल मिलाकर 2,80,882 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 8,997 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। छात्रों की माने तो बीपीएससी के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कट ऑफ इस बार का है। बिहार बोर्ड इंटर 2021 के टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम हुआ समाप्त। बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट का काम अब लगभग पूरा किया जा चुका है। 23 मार्च को बोर्ड में टॉपर्स के वेरिफिकेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद अब होली से पहले कभी भी रिजल्ट
के जारी होने की संभावना जताई जा रही है। खबरों की माने तो इस बाबत बोर्ड ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस बार भी सभी बोर्ड से सबसे पहले रिजल्ट जारी कर अपना रिकॉर्ड बना सकता है। रिजल्ट समय पर जारी करने के क्रम में एक अधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के बाद भी रिजल्ट में बोर्ड देरी नहीं कर रहा है। रिजल्ट की फाइनल स्टेज की तैयारी हो गई है। कॉपियों की चेकिंग 19 मार्च तक पूरी हो गई थी, जिसके बाद आज या कल के बीच रिजल्ट जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने शौचालय के फंड के बारे में जानकारी देने की कही बात। पटना नगर निगम के शिक्षक संस्थानों में छात्राओं के लिए बने शौचालयों का दयनीय स्थिति पर पटना हाईकोर्ट ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने अपना बयान जारी करते हुए ये कहा है कि कोर्ट देश के भविष्य को देख रहा है और आप लोग हैं कि फंड का राग अलाप रहे। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल से जानना चाहा कि वो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है कि आप लोगों को कोर्ट में बुला करके, मुझे तो समझ नहीं आता कि आप कैसे शिक्षण संस्थान को चलाने का काम करते हैं। सभी की ओर से दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को उन्हें अपने स्तर से हलफनामा दायर कर कोर्ट की शौचालय के फंड के बारे में पूरी जानकारी देने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश के बचाव में आए उपेंद्र कुशवाहा। जहां कल तक रालोसपा की कमान संभाले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को हर मुद्दे पर घेरते नजर आते थे, आज जदयू में शामिल होने के बाद उनके बचाव में लगे हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा में हुए वाक्य के बाद से विपक्षी दल और खास करके राजद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब इन आलोचनाओं का जवाब देने उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने तेजस्वी की खूब क्लास लगाई है और कहा है कि सुन लो तेजस्वी, हमने लगभग आजीवन लालू जी के विरोध में राजनीति की है, लेकिन हमेशा ही उनको ललुआ कहने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तुमको भी मेरी सलाह है, अपनी कब्र मत खोदो, जबान पर लगाम रखो, वरना नौवीं फेल कहने वालों को और मौका ही देते जाओगे। महेश्वर हजारी के पक्ष में वोट करने के बाद खुद ही फंसे लोजपा विधायक। विधानसभा में लोजपा के एकमात्र विधायक ने लोजपा से साथी लोजपा के साथ ही गद्दारी कर दी। जहां पार्टी के मुखिया जदयू के धुर विरोधी माने जाते हैं, वहीं अब उनके विधायक ने बुधवार को विधानसभा उपाध्यक्ष पद के वोटिंग के दौरान जदयू के पाले में वोट डाल दिया, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारे में लोजपा के बयान का इंतजार हो रहा था, जिसके बाद ही अब लोजपा ने अपने ही विधायक से कड़े तेवर अपनाते हुए जवाब तलब किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक और माननीय प्रतिनिधि होने के कारण मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह से यह अपेक्षा थी कि बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर विधायक द्वारा मतदान से पहले पार्टी से अवश्य विचार विमर्श करना चाहिए था। बंगाल के बाद अब यूपी में भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी में जुटी जदयू। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में भले ही पार्टियों को अपने उम्मीदवार उतारने से रोक दिया गया है, लेकिन इसकी कमी यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में पूरी करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। खबरों की माने तो जदयू उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने वाली है। पार्टी नेतृत्व को इसके बाद यह उम्मीद है कि बिहार में लगे सीमावर्ती जिलों के साथ साथ पश्चिम से दिल्ली से लगे जिलों में उन्हें कामयाबी मिल सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद जदयू के प्रदेश इकाई पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल की माने तो जदयू ने पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। इसके साथ ही आलाकमान से अनुमति मिलने के बाद ही उसे गंभीरता के साथ सभी पंचायतों में प्रत्याशियों को उतारने की बात भी कही गई है। आर ब्लॉक से जीपीओ को जोड़ने वाले पुल का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, आर ब्लॉक से जीपीओ को जोड़ने वाले पुल का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज लोकार्पण कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, आर ब्लॉक को तीन तरफ से जीपीओ, इनकम टैक्स या फिर होर्डिंग रोड जाने वाले लोगों को आसानी होने वाली है। वहीं इन रास्तों पर लगने वाले जाम से भी छुटकारा मिल सकेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त में आर ब्लॉक पुल के दो आर्म का उद्घाटन किया था, लेकिन तीसरा आर्म जो जीपीओ गोलंबर की तरफ जुड़ना था वो बनकर तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आर ब्लॉक के तीनों महत्वपूर्ण पुलों पर कुल 150 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। जीपीओ आर ब्लॉक को जोड़ने वाले भाग पर 50 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुई है। 22 मार्च को पिछले साल ही इसका काम शुरू हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स को लगा करारा झटका। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती वनडे में कंधे की हड्डी खिसकने के कारण 9 अप्रैल से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। इसकी पुष्टि दिल्ली कैपिटल्स ने कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स के सह मालिक पार्थ जिंदल ने इसकी पुष्टि कर दी है। पार्थ जिंदल ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर चोट की वजह से पूरे आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक होंगे। विश्वास है कि आप और मजबूत होकर लौटेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में भारत को आपकी जरूरत है। हालांकि बीसीसीआई ने इसे लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन स्कैन में उनकी चोट को लेकर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक उनकी सर्जरी हो सकती है। मलाइका अरोड़ा को अरबाज खान ने भेजा खास तोहफा। मलाइका अरोड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। आए दिन मलाइका
अरोरा खान कोई ना कोई फोटोज या वीडियो जरूर शेयर करते हुए अपने फैंस का मनोरंजन करती ही रहती हैं। इसी क्रम में अब मलाइका ने हाल ही में एक और इंस्टा स्टोरी शेयर की है। उसमें उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड अरबाज खान को तोहफा भिजवाने के लिए शुक्रिया कहा है, जिसके तहत मलाइका अरोरा ने इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर किया उसमें आम दिख रहा है। अल्फांसो मैंगो का बॉक्स अरबाज ने अमृता को भी भेजा है, उन्होंने भी शुक्रिया अदा करने के लिए इसकी तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाई है। वहीं अरबाज के इंस्टाग्राम पर मलाइका का थैंक यू पोस्ट दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार बोर्ड इस बार भी इंटर परीक्षा के परिणाम को समय पर जारी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।